हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग और सभी मतलब कि सभी के ज्यादातर मोस्ट फेवरेट कार वो है लैम्बोर्गिनी सियान को आज हम लोग करेंगे अपग्रेड। आज तक कभी नहीं करी, नॉर्मल यहाँ वहाँ से करवाते रहते हैं बट कभी बैनी के पास लेकर के नहीं गए और अच्छे अच्छे पार्ट्स कभी नहीं लगाए। तो देखते हैं भाई आज जीवी हमारा कैसे अपग्रेड करवाएगा लैम्बोर्गिनी को। अच्छे से अच्छा भाई पार्ट लगाऊंगा और अच्छी ही लगेगी। उसका कलर देखते चेंज करे नहीं करे, जो भी है अच्छे कलर में उसको रखेंगे। यार एक काम ना करूं, अपना एक कलर चूज कर लेता हूं कि सभी गाड़ी ड्राइवर की एक ही कलर में, या तो रेड येलो या ब्लैक या व्हाइट, मतलब हर एक कार एक ही कलर में हो और सभी का एक ही नंबर हो। अमेजिंग, फिर मजा आएगा। सभी कलर्स मतलब कि सभी कार्स को रेड में करा डालूं या फिर ब्लैक में व्हाइट में, चलिए देखते हैं जो कुछ भी हिसाब होगा। मजा आएगा क्योंकि सभी कार्स एक कलर में होगी तो और एक ही नंबर प्लेट में होगी तो सबको पता रहेगा लॉस सैंटोस में कि ड्राइवर की कार जा रही है, छूना मत। क्योंकि यार एक ही कलर में रखेंगे तो वेराइट मतलब वो बना रहेगा कि भाई ये मेरा कोड है, कि ट्रेवल कार्ड हमेशा इस कलर में होती है, ट्रेवल का कोड है कार का। अपना प्यारा जिमी आंटा भाई लेकर के आ चुका घर से ट्रेवल की नॉर्मल सिंपल कार है, कोई गोल्ड वाली नहीं है, नॉर्मल सिंपल ट्रेवल का साहब कहता है। बहुत सारी लैम्बोर्गिनी सियान है, ये सिंपल वाली है। तो देखते हैं भाई अब इसमें सारी चीज़ें मॉडिफाई करवा के देखेंगे कि आखिर ये कैसी लगने वाली है। वैसे ये तो भाई बिना मॉडिफिकेशन के इतनी अच्छी लग रही है, और जब मॉडिफाई हो जाएगी फुली अपग्रेड हो जाएगी तो पता नहीं कैसी लगेगी। पहुंचता हूं जल्दी से बैनी के पास। पहुंच गया अपना प्यारा प्यारा जीवी बैनी के पास में कार को लेकर के। बैनी भैया शटर ओपन कीजिए। बहुत ही बढ़िया, चलिए भाई हम अंदर पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं लैम्बोर्गिनी सियान के कितने पार्ट्स है इसके पास। वैसे बहुत फेमस कार है तो इसके पार्ट्स तो काफी होंगे यार बैनी के पास, मेरे को लगता है होने चाहिए, ना हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम पेंट ही चेंज कराएंगे, उसके हिसाब से सारी चीजें चलती है, मैंने आपको बता करके रखा हुआ है। सबसे पहले पेंट में क्लासिक में जाएंगे, मैट वगैरह भी नहीं कराने वाले। तो यार ये वाला कलर भी वैसे है बहुत अच्छा, बट फिलहाल मैं यार ब्लैक में बहुत प्यारी लगी। मैंने लैम्बोर्गिनी सियान आज तक ब्लैक में नहीं देखी कभी, कोई नहीं कराता ज़्यादातर, तो फिलहाल चलिए हम भी नहीं कराते, कभी और ट्राई करेंगे। यार मेरे को तो रेड कलर कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, हर गाड़ी पर रेड कलर अच्छा लगता है। ये लावा वाली मैंने देखो वो करवाई थी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। रेड कलर इसका मतलब अच्छा कलर है, किसी भी कार में अगर आप इसको लगा के देखोगे ना तो गाड़ी रेड कलर में अमेजिंग लगती है, रेसिंग का फील आता है। रेसिंग कलर्स यूज है ज़्यादातर, ये रेसिंग कलर से आपको बताया रेड को रेसिंग में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए इसको भी रेड ही करते हैं, इन फ्यूचर अगर अच्छा नहीं लगा तो बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार अंदर की सीट्स जो है वो रेड नहीं हो पाई है। बैनी यार उसका कुछ सिस्टम है क्या तेरे पास में? चाहे से इंटीरियर के लिए मेरे को बैनी कुछ तो करके थे यार, बैनी ऐसे कैसे काम चलने वाला है? क्योंकि अगर अंदर से इसको मैं चेंज नहीं कर पाया, मतलब इंटीरियर चेंज नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। चेक कर दो क्या होता है बैनी के पास वो सिस्टम भी हो, वो लास्ट में चेक करवाएंगे। फिलहाल कलर हमने चूज़ कर लिया, अब इंजन को फुली मॉडिफाई कर लेते हैं। इंजन खैर इसका आगे छोटा सा होता है बट पता नहीं कैसे इसने दिया है, वैसे पीछे इंजन होता है लैम्बोर्गिनी का बट पता नहीं भाई, खैर जो कोई है इसकी अपनी टेंशन है। प्लेट वगैरह की गोली मारो। अब इसके आते व्हील्स, इसके व्हील्स एक नंबर लग रही है वैसे तो फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं, बट कोई बात नहीं। फिलहाल मैं इसमें कौन से टाइप के लगाऊँ, स्पोर्ट्स में देखते हैं चलो कौन कौन से व्हील्स है इसके पास में जो काफ़ी अच्छे लगेंगे गाड़ी के ऊपर। वैसे ओरिजिन ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मेरे को ऐसा लगता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा प्यारे हैं भाई। अपने कोई और अच्छे व्हील्स है तो बता दे, ये अच्छे लगे ये ठीक है बट इतने भी अच्छे नहीं हैं। और कोई है जो अपने उससे अच्छे लगे जो लास्ट टाइम लगे हुए हैं? क्योंकि जो लगे हुए वो ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मुझे, ये वाले अच्छे व्हील्स हैं जैसे मैं देख रहा हूँ। और कोई है भाई बैनी? यार तब भी अपने नॉर्मल वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मैंने देख लिया। फिलहाल एक काम करता हूँ, कुछ अच्छे और है बैनी ब्रो? ये घटिया घटिया से व्हील्स दिखा रहा है यार, कैसे काम चलेगा? रेस वाले देखते चलो, कमाल है इतने घटिया होते हैं क्या रेस के लिए व्हील्स? अबे भाई क्या बदतमीजी कर रहा है बैनी, तेरे पास टायर खत्म हो गए क्या? भाई मुझे लगता है टायर चेंज नहीं करने चाहिए हमें कार के, मेरे हिसाब से टायर ओरिजिनल वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल से अच्छे ये अच्छे लगे, हाँ ये अच्छे हैं, मतलब बुरे ऐसे नहीं कि ओरिजिनल को हरा देंगे बट बुरे नहीं है, ये अच्छे लगे मेरे को, अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बट यार ओरिजिनल तब भी एक नंबर पे आ रहे हैं, मेरे को ओरिजिनल से अच्छे नहीं लग रहे भाई। एक काम करते हैं कि गोल्ड में अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर रहने दो, ओरिजिनल रहने दो, फिर हटाते नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला कर लेते हैं भाई, कम से कम लैम्बोर्गिनी की शान बढ़ जाएगी। देखो गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, मान तो डिजाइन इतना अच्छा नहीं है बट गोल्ड तो गोल्ड होता है, मैं फिर से बोलूंगा गोल्ड ही लगवा लेते हैं। चलिए भाई फिलहाल, ओह भाई टायर का शेप बदल गया, इसमें टायर कलर बदल रहा है, ये रेड लाइन रखेंगे सूट कर रहा है। टायर स्मोक मैंने आपको फिर से बोला रेड कलर है तो रेड सा ही रखेंगे, थोड़ा सा मिलता जुलता। चल 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 जिमी बेटा, रेड 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 रेड, नीचे कुछ लावा करके ग्रीन नीचे, ये भाई हमको फिर लेना नहीं, ये भी नहीं चाहिए सारी चीज़ें, कुछ रेड वाला करके आ जाता, चॉकलेट वाला आ गया तो बढ़िया हो जाता। फिलहाल एक तो इतने सारे कलर्स होते हैं, ऑरेंज रेड ये देख लेते कैसा करेगा बाद में। तो चलिए भाई टायर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, हेडलाइट में हमें पूरी ब्लैक लाइट या दे दो, पर्पल वगैरह नहीं यार ये तो अजीब हो जाएगी। मैं ऑरेंज वगैरह येलो लाइम ग्रीन नहीं, मिंट वाली ले लेते हैं, मिंट ग्रीन लाइट ये सही रहेगी। नियॉन में कलर ले लेते हैं हम लोग येलो ग्रीन,
ग्रीन करके देखते चले, देखते कैसी लगेगी, लेआउट सारी करेंगे। तो ठीक है भाई, देखता हूँ। वैसे अच्छी लग रही है ये, देखो गोल्ड में सूट कर रहा है कलर, अच्छी लग रही है। कलर हमने चेंज कर लिया, आर्मर फुल कर लेते हैं, ब्रेक्स फुल कर लेते हैं, हॉर्न वगैरह लास्ट तक ये लिया था, ये अच्छा है, इसी को ले लेते हैं। बट बड़ा महंगा हुआ है, देख रहे हो इतना सारा पैसा लिया इसने मेरे को। सस्पेंशन फुल कर लिया, ट्रांसमिशन मैंने फुल कर लिया, टर्बो मैंने फुल कर लिया। यार देखा जाए तो इसकी ज्यादा नहीं है, बम्पर वगैरह नहीं बदले, स्पॉइलर वगैरह ऊपर पीछे, मतलब ऐसे इसमें है ऑलरेडी, लगाने की जरूरत नहीं है। देखा जाए लैम्बोर्गिनी के ज्यादा पार्ट्स नहीं मिले भाई बैनी के पास। टायर्स चेंज किए, कलर चेंज किया, बस इंटीरियर चेंज नहीं हुआ। एक सेकंड में चेक करता हूँ, बैनी इंटीरियर है क्या यार? फिलहाल यार देखो बैनी के पास बाकी पार्ट्स तो नहीं मिले, गाड़ी तो बाहर आ चुकी है। बट देखो भाई मैं मतलब के जो अंदर जो चीज़ें हैं ना वो चेंज नहीं हो सकती। बैनी बोल रहा है कि भाई जिमी अभी फिलहाल मेरे पे गाड़ी का सीट कवर नहीं है, और पूरी पूरी सीट चेंज करनी पड़ेगी, ऊपर की सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, अंदर का पूरा डैशबोर्ड चेंज होगा, सामने फ्रंट का। ये जो ब्लू में कलर था ना भाई, कंपनी इसको ब्लू में बना करके रखी है। चलिए खैर वो कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। वैसे अंदर की चीज़ें इतनी दिख नहीं रही है, बुरी नहीं लग रही। तो इसका मतलब कार ब्लू के हिसाब से बनाई थी कंपनी ने कि ब्लू कलर इसमें ज़्यादा चलेगा, हमने इसे रेड कलर लिया इसलिए थोड़ा मिक्स हो गया। बट बुरी नहीं लग रही भाई, अच्छी लग रही है। आप देख रहे हो स्पीड स्पीड भी बढ़ गई यार इसकी, तो कमाल है। ऐसी इतनी तेज़ भाग रही थी, और तेज़ भाग रही है ओ भाई, सही में ऊपर से गाड़ी अच्छी लग रही है भाई। स्मोक देखो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो रेड कलर का स्मोक, नीचे लाइट वगैरह अमेजिंग हो गई भाई। लैम्बोर्गिनी ट्रैवलर से गोल्ड में चलाता है ज़्यादातर लैम्बोर्गिनी गोल्ड की, बट भाई गोल्ड के टायर्स भी देखो अच्छे बुरे लग रहे, कमेंट्स करके बताना। अच्छा मैं आपसे बात बोल रहा था कि सभी कार्स एक ही कलर में रखे, वो आइडिया कैसा है? मेरे को लगता है करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना दूर से देख के बंदा पहचान जाएगा कि देखो भाई ये ट्रैवलिंग कार है और नंबर प्लेट में भी मॉन्स्टर लिखा हुआ है। यही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, परफेक्ट। दूर से बंदा देख के पहचान जाएगा, फिर बोलेगा कुछ नहीं, ना पुलिस वाला ना कोई बंदा। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने हैं आप लोग। तो ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सबके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।